जब बड़े बड़े सितारों की शादी होती है, करोड़ों में पैसा जो है लगाया जाता है शादी में, ऐसे में छोटे बड़े कई सितारों को इनवाइट किया जाता है। लेकिन अक्सर आम आदमी ये सोचता है कि ये शादी पर तोहफा क्या लेकर जाते होंगे। तो चलिए, अमिताभ बच्चन जब किसी की शादी में जाते हैं तो लिफाफे में, शगुन में कितना पैसा देते हैं, कितने का शगुन जो है शादियों में दिया जाता है, इन सारी बातों पर अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया। कपिल शर्मा की शादी के दौरान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, बड़े सितारे की शादी में अगर कभी कोई ऐसा छोटा एक्टर आए, हालांकि एक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सभी सितारों को बुलाया जाता है, छोटे बड़े ऐसा नहीं देखा जाता, आर्थिक उससे मैं बात कर रही हूँ, तो वो असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर कितने का लिफाफा दे। ऐसे में इंडस्ट्री ने तय किया कि शगुन जो है लिफाफे में 101 रुपए का ही दिया जाएगा। शादी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, आम हो, साधारण हो, बहुत ही हाई फाई हो, डेस्टिनेशन हो, लेकिन ये रिवाज जो है इंडस्ट्री में है कि 101 रुपया शगुन के नाम पर दिया जाएगा, न उससे कम न उससे ज्यादा, जिससे हर कोई कंफर्टेबल महसूस करे। तो इस तरीके से उन्होंने उस दौरान इस बात का खुलासा किया था कि हम भी जब किसी शादी में जाते हैं तो शगुन के तौर पर इतना ही दिया जाता है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि मैं अक्सर जो है लिफाफा देना पसंद करता हूँ, साथ में गुलदस्ता देना पसंद करता हूँ लिफाफे के साथ, लेकिन जया को वो पसंद नहीं क्योंकि उसे लगता है कि गुलदस्ता बाद में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में अब अमिताभ बच्चन ने बताया कि इंडस्ट्री ने एक रूल बनाया है कि आप किसी की भी शादी में जाएं, 101 रुपए का ही शगुन दिया जाए।